जिसके कलर वगैरह भी चेंज कर रहा हूँ, तो जो मर्जी कलर आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो अभी भाई मैं धूप में शूट कर रहा हूँ, चक्कर में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह कम दिख रही होगी। BMW जो M4 अपनी मैनुअल वाली आई थी वो इंस्पायर्ड स्पॉयलर है, उसकी जेन्युइन एसेसरीज में आप लोगों को मिलता है साथ में। और यहाँ से रिमोट से मैंने कर दिया इसे ऑन। अब सुनो साहब, तो प्रॉपर स्पोर्ट्स वाला स्टेयरिंग इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है भाई। लुक देखो कितनी प्यारी आ रही है। साथ के साथ आप देखोगे तो भाई जितने भी इसके पिलर्स है वो कंप्लीट हमने ब्लैकआउट कर दिया, अपने ABC पिलर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ JJ ऑटोमोबाइल व्लॉग्स, और मैं हूं जितेश। तो भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत 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 यूनिक और डिफरेंट वीडियो रहने वाली है। और आज की जो गाड़ी है भाई वो है हमारी होंडा सिटी जनरेशन 5। और भाई मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ ऐसी होंडा सिटी आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी भाई। जो भी पार्ट आप बोलो उस जगह उसमें मॉड्स है, उसका पूरा इंटीरियर, आगे का बम्पर, पीछे का बम्पर, एग्जॉस्ट, एलॉयज, लोअरिंग स्प्रिंग्स, बोनट, हेडलाइट्स, इंटीरियर, भाई जितना एक काम है होंडा सिटी जनरेशन 5 में ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मॉड्स में हो सकता है ना, वो सब कुछ आज गाड़ी के अंदर होने वाला है। आज एसेसरीज वाला पार्ट नहीं है भाई, प्रॉपर मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है। जो गाड़ी है भाई वो ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, तो फटाफट हम एक अच्छी सी लोकेशन पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूं भाई कंप्लीट गाड़ी की डिटेल्स। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू द सिकेस्ट मॉडिफाइड होंडा सिटी जनरेशन 5। और भाई गाड़ी की फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन आप देख सकते हो भाई, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट लुकिंग होंडा सिटी जनरेशन 5 हो चुकी है भाई ये। और भाई हर एक तरफ से आप लोगों को गाड़ी के अंदर मॉड देखने को मिलेगा, हर एक तरफ से सिनेमेटिक शॉट्स में आप लोगों ने हर एक चीज़ इंजॉय कर ली होगी। तो अब मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ कि भाई गाड़ी में हमने क्या क्या मॉड्स करे हैं जो भाई इतनी ज़बरदस्त लग रही है। सबसे पहले तो भाई ये 2022 मॉडल है अपना, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो लेटेस्ट अपना 2022 का ये होंडा सिटी जनरेशन 5 का आपका मैनुअल का VX मॉडल है। एक इसके बाद ZX मॉडल भी आता है, बट मॉड के लिए वाला मॉडल भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो भाई इस गाड़ी के अंदर हमने कंप्लीट ब्लैक PPF करी है, जिसके आप लुक देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। गाड़ी में ग्लॉस आप चेक कर सकते हो कितनी ज़्यादा शानदार आ रही है। प्लस भाई होंडा सिटी जनरेशन 5 ब्लैक कलर में आती भी नहीं है, तो इस चक्कर में इसे और ज़्यादा यूनिक बना देता है और बिल्कुल डिफरेंट बना देता है बाकियों से। तो पूरी गाड़ी में कंप्लीट हमने ब्लैक PPF करी है। सेकंड चीज़ की बात करें तो भाई इसका जो हुड है वो भी कंप्लीट हमने कस्टमाइज़ करा है, तो आप चेक सकते हो फाइबर मटेरियल में कंप्लीट इसका जो हुड है वो कस्टमाइज़ कर गया, साथ में उसे पेंट करा के उसके ऊपर भाई हमने ब्लैक PPF कर दिया, तो उसने भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक दे दिया गाड़ी को, आप देख सकते हो देखो। साथ के साथ इसका जो फ्रंट बम्पर है भाई वो भी कम्प्लीटली अपना इम्पोर्टेड बम्पर है, ये अपना फाइबर मटेरियल में नहीं है भाई, ये कम्प्लीट अपना ABS मटेरियल में इम्पोर्टेड बम्पर है, अपना टाइप आर का बम्पर। तो उसकी कम्प्लीट भाई फ्रंट और बैक की किट आती है, बट फिलहाल हमने इस गाड़ी के अंदर फ्रंट ही इंस्टॉल करा है, क्योंकि रियर में थोड़ी सी फिटिंग का इशू आ रहा था, तो हमने भाई वो चीज़ छोड़ दिया और अपने मॉन्स्टर की टीम ने भाई सिर्फ अपना फ्रंट का जो बम्पर है वो इंस्टॉल कर दिया। तो फ्रंट बम्पर में आप लोगों को कम्प्लीट बम्पर, अपर ग्रिल, लोअर ग्रिल, फॉग लाइट कवर, ये आप लोगों को फेक वेंट्स, ये अपना इसमें स्प्लिटर्स, कम्प्लीट सब कुछ मिलता है। और ABS क्वालिटी का बम्पर है, जैसे भाई लुक बहुत 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 ज़्यादा एग्रेसिव आ रही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो देखो भाई, बोनट और बम्पर ने ना गाड़ी से लुक बिल्कुल चेंज कर दिया। और फर्स्ट इंप्रेशन में शायद भाई आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि होंडा सिटी अपनी जनरेशन 5 है, क्योंकि गाड़ी जो है ना बल्की हो चुकी है और इतनी ज़्यादा यूनिक हो चुकी है। साथ के साथ भाई थर्ड चीज़ की बात करें, जो उसकी हेडलाइट्स है भाई वो भी हमने कम्प्लीटली कस्टमाइज करी है, तो आप चेक कर सकते हो उसके अंदर हमने इसके DRLs भी RGB करे हैं, साथ के साथ इसके अंदर Gemini भी इंस्टॉल करे हैं, और साथ में आप देख सकते हो भाई नीचे की साइड भी हमने इसके अंदर जो है प्रॉपर कस्टमाइज़ करा। देखो मैं फ़ोन से इसके कलर वगैरह भी चेंज कर रहा हूँ, तो जो मर्जी कलर आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो अभी भाई मैं धूप में शूट कर रहा हूँ, चक्कर में आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह कम दिख रही होगी, ये देखो। साथ में भाई जो नीचे वाली है, देखो नीचे की भी कंप्लीट जो है मैं अपने कलर चेंज कर सकता हूँ, मैंने रेड कर दिया, अब पर्पल कर दिया, अब आप लोगों को ब्लू हो गया, एक ग्रीन हो गया, तो पूरे इसके अंदर कंप्लीट मॉडल है। प्लस जो DRL है भाई वो भी हम इसके अंदर अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं, तो हर चीज़ कंप्लीट अपनी RGB है। और अभी फिलहाल मैं वापसी इसे रेड कर देता हूँ या पर्पल कर देता हूँ, ये देखो भाई।
तो फुल हेडलाइट भी कस्टमाइज हुई है इस साइड से, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो। साथ के साथ भाई इसके जो LEDs है वो भी अपग्रेड करी है। तो इस मॉडल के अंदर आप लोगों को हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं, तो वो अपग्रेड करके हमने इसके अंदर अपनी अजूम की 150 वॉट की LED लगा दी, अपनी लो बीम में भी और हाई बीम में भी। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, देखो कंप्लीट LED सेटअप। तो उसका थ्रो तो भाई आप लोगों को नहीं पता लगेगा, बट बहुत शानदार थ्रो है। तो फ्रंट से भाई जो जो काम किया था वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में, और गाड़ी के साइड प्रोफाइल देखो भाई कुछ अपनी ऐसी लग रही है। तो ब्लैक PPF ने भाई लुक तो पूरी चेंज कर ही रखी है, साथ में भाई छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे हैं, जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स की जो बैजिंग है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है। साथ के साथ जो उसके मिरर्स है भाई वो भी कस्टमाइज करके हमने M3 वाले जो मिरर है वो इसके अंदर इंस्टॉल करें। अगेन भी भाई फाइबर मटेरियल के अंदर रेडी होते हैं, ABS इस गाड़ी के लिए अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई इसके अलॉयज भी हमने कंप्लीट चेंज करे हैं। तो आप देख सकते हो 17x9.5J के इसके अंदर अलॉयज इंस्टॉल करें अपने AD ब्रांड के, विद सीएट टायर 21545R17। तो पीछे से भी एक बार मैं आप लोगों को उसके लुक दिखा देता हूँ, देखो इतना ज़्यादा शानदार और डिफरेंट यूनिक अलॉयज है। यहाँ से आप देखोगे तो भाई जो उसकी ब्रॉडनेस है वाइडनेस है आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, ये देखो। साथ के साथ भाई आप लोगों को दिख रहा होगा ये गाड़ी भाई लोअर्ड भी है, तो इसके अंदर हमने कोबरा के लोअरिंग स्प्रिंग्स भी इंस्टॉल करें, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को प्रॉपर विजिबल हो जाएंगे, देखो कंप्लीट आप लोगों को अंदर रेड कलर के स्प्रिंग्स दिख रहे होंगे। तो ये कंप्लीट अपने कोबरा के भाई चारों लोअरिंग स्प्रिंग्स होते हैं, आप देख सकते हो सिर्फ मोटा मोटा भाई 2 फिंगर का गैप है अपना बैक में, और फ्रंट में भी दिखाऊँ तो मैं देखो यहाँ पे सिर्फ 2 फिंगर्स का गैप है। तो इसने भाई गाड़ी का जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, और बिल्कुल डिफरेंट लग रही है गाड़ी। साथ के साथ आप देखोगे तो भाई इसके अंदर हमने अपने लोअर्स भी इंस्टॉल करे हैं, तो प्रॉपर जो मस्टैंग इंस्पायर्ड लोअर्स होते हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, और इससे भी लुक भाई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आ रही है। अगर अभी वाली प्रोफाइल देखोगे ना तो शायद आप लोगों को लगेगा नहीं कि भाई आप होंडा सिटी Gen5 देख रहे हो। तो साइड से देखो अलॉयज लोअर्ड और ब्लैक PPF की जो पूरी लुक है उसने गाड़ी का लुक बहुत ही शानदार कर दिया भाई। और जब भी मैंने कहा था कि भाई बहुत इनसेनली मॉडिफाई हुई अपनी गाड़ी, तो भाई अब आ जाते हैं अपनी गाड़ी के बैक प्रोफाइल में। तो जितनी ही भाई फ्रंट प्रोफाइल इसकी अग्रेसिव थी उतनी ही भाई बैक प्रोफाइल भी अग्रेसिव है। और ये देखो भाई ए वाले एंगल में लुक देखो गाड़ी की, कंप्लीट लोअर्ड के लुक, साथ में स्पॉइलर, टेल लाइट, PPF, एग्जॉस्ट, भाई क्या कुछ नहीं हमने इस गाड़ी के अंदर कर रखा। तो इसे मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने BMW M4 इंस्पायर्ड जो मिरर जो अपना स्पॉइलर है वो इसके अंदर इंस्टॉल करा है हमने। तो आप देखोगे तो BMW जो M4 अपनी मैनुअल वाली आई थी वो इंस्पायर्ड स्पॉइलर है, उसकी जेन्युइन एसेसरीज में आप लोगों को मिलता है। साथ में इसके अंदर भाई BMW का लिप वाला जो M4 स्पॉइलर आता है वो भी इसके अंदर हमने इंस्टॉल करा। तो इन दोनों चीज़ों के गाड़ी का स्टांस बहुत ज़्यादा शानदार आ रहा है, और भाई यही गाड़ी को एग्रेसिव कर रहे हैं। साथ के साथ भाई गाड़ी के अंदर हमने RS किट भी इंस्टॉल की थी, जो भाई आप लोगों की साइड्स भी है और बैक भी है। फ्रंट में कंप्लीट हमने टाइप आर बम्पर डाल दिया, तो उस चक्कर में फ्रंट में RS किट इंस्टॉल नहीं करी है, बट रियर में इसके अंदर कंप्लीट आप देख सकते हो डिफ्यूजर, साइड स्कर्ट्स, तो कंप्लीट है पूरी किट आती है विद एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट इंस्टॉल करा भाई इसके अंदर हमने वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल करा है विद एक्रोपोविक कार्बन फाइबर टिप्स। तो क्वाड टिप्स इसके अंदर इंस्टॉल करी है भाई, दो इधर दो इधर। फंक्शनल इसके अंदर एक ही है, क्योंकि वेल्वेट्रॉनिक सेट में भाई जो है आपकी टिप्स एक ही इंस्टॉल होती है, बट लुक बहुत ज़्यादा इंसेन आ रही है। इस चक्कर में भाई हमने वाला जो सेटअप है प्लान करा था इस गाड़ी के लिए, देखो। तो एग्जॉस्ट नोट भी आप लोगों को मैं ऑन करके सुना दूंगा, बट अभी सिर्फ लुक्स देखो, एस्थेटिक लुक्स देखो भाई पूरी। तो लोअर्स एलॉयज वगैरह की यहाँ से भी देखो भाई कितने ज़्यादा वाइड है, और साथ में अपनी लोअर्ड भी है। तो भाई बाहर से ये सारा काम किया था, और पूरा वॉक अराउंड आप लोगों ने देख लिया। बाकी बाहर के साथ साथ भाई गाड़ी के इंटीरियर में भी काम करा है, ऐसे नहीं से बाहर करके छोड़ दिया। तो आप लोगों को इंटीरियर में लेकर चलता हूँ, और इंटीरियर में भी दिखाता हूँ क्या क्या काम करा है। तो भाई एक बार इंटीरियर दिखाने से पहले मैं सोचा एक बार आप लोगों को पहले एग्जॉस्ट नोटिस सुना देता हूँ, जो इसके अंदर हमने वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट ऑन लगाया है। तो अभी फिलहाल जो है गाड़ी बंद है, तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट भी कर देता हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट करना भाई, तो भाई यहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट भी कर ली है, और ये रहा हमारा रिमोट जिससे हम सारे के जो साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने ऑफ कर दिया भाई, करना रेव। देखो भाई अभी ऑफ है ये, और यहाँ से रिमोट से मैंने कर दिया इसे ऑन। अब सुनो साउंड, वापसी ऑफ कर दिया भाई मैंने, और ये वापसी ऑन। तो प्रॉपर भाई बेसी साउंड आती है इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर इंजन काफी भाई बढ़िया है इसका। तो अभी ऑन है, देखो अभी गाड़ी आइडल पे खड़ी है, और यहाँ से मैं वापसी ऑफ करता हूँ, तो आपको डिफरेंस खुद फील हो रहा होगा। तो भाई एक ही साइड प्रॉपर इसकी वर्किंग थी, और एक बार भाई लास्ट टाइम रेव करना, प्रॉपर भाई मजा आ रहा है एग्जॉस्ट के अंदर अभी। तो ये भी सुन लिया, बाकी अब चलते हैं एक बार इंटीरियर में, और इंटीरियर में भी फाइनल दिखाता हूँ आपको।
तो भाई अब आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में भी, और गाड़ी के इंटीरियर की लुक कुछ ऐसी है। तो कंप्लीट भाई इसका इंटीरियर भी मॉड करा है, इसके डोर्स वगैरह आप देख सकते हो, एम्बिएंट लाइट, साथ में भाई हाइड्रोडिपिंग, स्टेयरिंग, सीट कवर, हर एक पार्ट भाई वो भी हमने चेंज करा है। तो इस गाड़ी का जो पूरा इंटीरियर आता है भाई वो बेज आता है, तो उसे एलिमिनेट करके कंप्लीट इसे स्पोर्टी ब्लैक और अपने जो रेड इंटीरियर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो पहले डोर्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट भाई आप लोगों को कुछ कुछ एल्केंटारा वाला वर्क करा है, यहाँ पे फोर्स कार्बन फाइबर की डिपिंग करी है, या आप देखोगे ट्विटर कवर तो भाई ये भी कंप्लीट अपना फोर्स कार्बन फाइबर करा है। साथ में भाई जो उसका स्टेयरिंग है वो भी हमने इसके अंदर मॉड करा है, आप देख सकते हो कंप्लीट अपना रीशेप्ड स्टेयरिंग करा है, फ्लैट बॉटम, बहुत ही भाई सुंदर लग रहा है स्टेयरिंग, और भाई ग्रिप भी काफी अच्छी हो चुकी है। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स वाला स्टेयरिंग इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है भाई, लुक देखो कितनी प्यारी आ रही है। साथ के साथ आप देखोगे तो भाई जितने भी इसके पिलर्स है वो कंप्लीट हमने ब्लैकआउट कर दिया अपने ABC पिलर। सीट कवर्स आप चेक कर सकते हो, ब्लैक और साथ में भाई रेड के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने इंस्टॉल करे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैट्स भी इसके अंदर भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हमने जो 90 मैट्स इंस्टॉल करे, अगेन ब्लैक एंड रेड कलर के। तो पीछे से मैं दिखाता हूँ फिटिंग वगैरह, देखो भाई कितनी ज़्यादा प्रॉपर आई हुई है अपनी मैट्स की। तो इंटीरियर भी भाई बहुत शानदार, और स्पोर्ट्स वाला जो इंटीरियर है भाई पूरा हमने रेडी करा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो भाई अपना स्टेयरिंग, एम्बिएंट लाइट, साथ में पिलर्स वगैरह, हर चीज़ भाई बहुत ही शानदार लग रहा है गाड़ी का। जितने भी रूफ वाले पार्ट थे भाई सारा कुछ ब्लैक करा है हमने, ये देखो हर एक पार्ट। आप लोगों को बाहर से निकल के एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो भाई सीट कवर्स भी आप चेक कर सकते हो, फुल ब्लैक और रेड में, ये देखो। और इधर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पीछे से भी देखो रूफ भी कंप्लीट हमने ब्लैकआउट करी है, जितने भी भाई हमारे इसके पिलर्स थे वो भी हमने कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिए। तो पूरा सब कुछ इंटीरियर भाई ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में रेडी करा है, पीछे से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो। तो कुछ अपनी भाई ऐसे लुक आ रही है इंटीरियर की भी, तो पूरा बेज इंटीरियर हटा के अपना ब्लैक और रेड हो चुका है, और पीछे फोर्स कार्बन भी देख सकते हो। तो इंटीरियर भी भाई बहुत प्यारा हो चुका है इसका। तो भाई बताना ज़रूर आप लोगों को क्या पार्ट अच्छा लगा, इंटीरियर का पार्ट अच्छा लगा या एक्सटीरियर का पार्ट अच्छा लगा, तो देखो। बाकी भाई जो जो इस गाड़ी के अंदर काम करा था वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और भाई बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल वगैरह हर चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इसकी रेडी करी है, और बिल्कुल डिफरेंट रेडी करी है बाकी उसे। टेल लाइट भी आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो, देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो भाई ये तो बात हो गई गाड़ी के कंप्लीट मॉड्स की, अब कर लेते हैं बाकी की अपनी जो डिटेल्स रह गई है। सो गाइस आई होप आप लोगों ने जो अपनी होंडा सिटी जनरेशन 5 की जितनी भी मॉडिफिकेशन देखी आप लोगों को पसंद आई होगी, और भाई बताना जरूर आप लोगों को बेस्ट पार्ट क्या लगा क्या नहीं। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था भाई हर एक पार्ट में मॉड हुआ है, उसका बोनट, बम्पर, पीछे वाला बम्पर, एलॉयज, लोअरिंग स्प्रिंग्स, इंटीरियर, मैट, हर एक चीज भाई गाड़ी के अंदर हुआ है। ऑडियो को भैया को बहुत ज्यादा शौक नहीं था तो चक्कर में ऑडियो नहीं छेड़ा, बट भाई जितने भी एस्थेटिक मॉड्स हो सकते थे ना सारे कुछ हमने भाई इस गाड़ी के अंदर कर दिया, और गाड़ी भाई जनरली बहुत शानदार लग रही है। रिएक्शंस इतने जबरदस्त आ रहे हैं भाई, अपनी कंप्लीट मॉन्स्टर की टीम ने पूरी गाड़ी रेडी की थी। स्पेशल थैंक्स टू तुषार भैया जिनकी ये गाड़ी थी भाई, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट कर और भाई गाड़ी हमें मॉडिफाई करने के लिए हमें दी। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो अप्रॉक्स भाई तो टोटल तो नहीं है बट लगभग भाई अप्रॉक्स 2.5 से लेके 3 लाख के बीच में लगभग इस गाड़ी की कॉस्टिंग जाएगी, क्योंकि भाई मेजर पार्ट तो हमारे अलॉयज ले गए, फिर बम्पर हमारा इम्पोर्टेड ABS का था, पेंट वर्क था, PPF था, पूरा इंटीरियर प्रीमियम क्वालिटी का था, तो सारा कुछ भाई चीज अपनी A to Z प्रीमियम क्वालिटी की हुई है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी होंडा सिटी जेन 5 के, जैसे कि इसके लोअर्स, आपने इससे पहले भाई लोअर्स नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले भाई इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुए हैं। हेडलाइट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज करी है, टाइप आर बम्पर आप लोगों ने पहले देखा होगा बट एलॉयज वाले इस गाड़ी के अंदर, लोअरिंग स्प्रिंग्स वगैरह भाई सब कुछ बिल्कुल यूनिक हुई है। तो जो भी काम हुआ था भाई अपने मॉन्स्टर डिटेलर्स एंड कस्टम्स की टीम्स ने ही किया था, अभी मैं अपने ऑफिस के अंदर ही बैठा हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा, फोन नंबर से लेकर एड्रेस से लेकर, अगर आपको कोई और भी गाड़ी रेडी करानी तो आप रेडी करा सकते हो, कोई और डिटेल चाहिए आपको भाई फोन नंबर दिख रहा होगा वहां जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आई होप भाई आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो भाई अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है क्या करना भाई, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, और जिन भी भाई के पास होंडा सिटी जेन 5 है ना भाई उनके साथ शेयर करो और दिखाओ कि भाई आपकी गाड़ी भी इतनी जबरदस्त तरीके से रेडी हो सकती है, और इससे भी बढ़िया भाई रेडी करानी है तो आप हमारे पास आओ, हमसे कॉन्टैक्ट करो, डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे और फिर आप लेंगे भाई बहुत अच्छे मॉड्स डिस्कस करके हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।